सबसे पुरानी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी द्वारा बुधवार को पार्टी में एंट्री ले ली गई। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री मारने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है। ऐसे मौके पर प्रियंका गांधी की कुछ अनसुनी सी बातें आपको बताते हैं। प्रियंका को भैया जी के नाम से भी बुलाया जाता है। गांधी जी को भी भैया जी कहकर क्यों बुलाते हैं, इसकी एक बड़ी मज़ेदार वजह है। प्रियंका के बचपनी दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी अमेठी जाने पर प्रियंका गांधी के बाल हमेशा छोटे रहते थे और गांव में ज़्यादातर लोग राहुल गांधी की तरह उन्हें भी भैया बुलाने लगे, जो बाद में बदलकर भैया जी हो गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का दर्जा किसी मिथक से कम नहीं है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग उस पल के बारे में बताना नहीं भूलते जो उन्होंने गांधी परिवार के सदस्य के साथ साझा किया था। तो देखिए कितनी दिलचस्प कहानी है कि प्रियंका गांधी को भैया जी क्यों कहा जाता था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।